अब बात करेंगे दिन भर जो चुनाव परिणाम आए उसकी बड़ी बड़ी खबरें आपको बताते हैं। राजगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर ने 1,45,537 वोटों से जीत हासिल की है और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया है। नागर तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। रोडमल नागर से बात की है विस्तार न्यूज संवाददाता ने। उधर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी जीत हासिल की है, ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के सूत्रधार और देश में बड़ी जीत में शुमार शिवराज सिंह जी हमारे साथ में। सबसे पहले बधाई सर आपको। धन्यवाद। इस जीत को किसके नाम आप जो है वो कहेंगे, ये किसके नाम? मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है ये। और कार्यकर्ता जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे थे, हमने देखा आप भी खूब पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ता भी पसीना बह रहे हैं, बहनें भी पसीना बहा रही हैं आपके। सबको मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए तो जनता ही भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है और जनता ने फिर सेवा का अवसर दिया है तो मन में एक ही भाव है, जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा करूँगा। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूर्व योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं 29 की 29 जो कमल खिले हैं वो उन्हीं की बिला पर हम ऐसा मान के चलते। संकल्प था कि सभी 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। पिछली बार छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे, आज मैं भाव विभोर हूँ, छिंदवाड़ा भी हम जीते हैं और MP के मन में मोदी है ये सिद्ध हुआ है। कार्यकर्ताओं ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जो परिश्रम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने सुना किस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जीत का जो है श्रेय भी उन्हीं कार्यकर्ताओं को है और उन पूर्व योजनाओं का जो है मध्य प्रदेश में शुरू की दी गई। श्याम सिंह तोमर विस्तार न्यूज़ के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नए नए सांसद एक बार फिर से बने शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौड़ ने भी खुशी जताई है। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ में कृष्णा गौर जी हैं। अभी बड़े सुखद आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के हाल लिहाज से अगर देखें। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पहले दिन ये संकल्प लिया था कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में डालने जा रहा है और उस संकल्प को सिद्ध किया। प्रदेश नेतृत्व को बधाई, मध्य प्रदेश का एक एक जन जन कार्यकर्ता को कोटि कोटि बधाई, मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों को बहुत साधुवाद। सबके सामूहिक प्रयासों का ये परिणाम है कि ऐतिहासिक विजय मध्य प्रदेश की आज पूरा देश देख रहा है। गुजरात में 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने और अब मध्य प्रदेश में किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है कार्यकर्ताओं का, किस तरीके से समर्पण रहा? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश गुजरात की जनता हो या हिंदी भाषी प्रदेशों की जनता हो, अपन हम उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ भी दें उसकी तो समीक्षा निश्चित रूप से होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास था ही, लेकिन जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है वो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास। केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा थोड़ा सा? केंद्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, NDA की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। तो ये थी हमारे साथ कृष्णा गौर। कृष्णा गौर को आप सुन रहे थे। उधर भोपाल से नए नए सांसद बने आलोक शर्मा बंपर वोटों से जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि भोपाल की जनता ने उन्हें अब तक के सबसे ज्यादा वोट से विजयी बनाया है। उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार भोपाल के लिए विकास करेगी, ये भी कहा है। सांसद आलोक शर्मा है, बंपर जीत हासिल की है, भोपाल के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अब तक सबसे बड़ी लीड से जीत दर्ज कराई। हमारे साथ बात करने के आलोक शर्मा है। सर काफ़ी ज़्यादा आप खुश होंगे और सबसे ज़्यादा मार्जिन से अभी तक आप जीतने वाले भोपाल के सांसद हैं। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार बन रही है। बहुत ही जल्दी देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाकर दिल्ली पहुंचा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भोपाल की जनता ने मुझे अभी तक के जीत के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 5,01,000
499 वोट से मुझे अपना लाड़ प्यार दुलार उसने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं भोपाल की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद हमारे प्रदेश संगठन को देता हूँ कि संगठन की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं जीत का श्रेय देता हूँ। भोपाल के कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया, अभी हमने देखा रोड शो, तमाम आतिशबाजी की गई, तो भोपाल की जनता साथ में कार्यकर्ता काफ़ी खुश है आपकी जीत को लेकर। निश्चित रूप से भोपाल की जनता ने मुझे यहाँ दो बार पार्षद बनाया, एक बार महापौर बनाया, इस बार सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया। चूँकि ये शहर मेरा है, इस शहर में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी जन्म स्थल भी है, कर्म स्थल ही, यहाँ मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ का विकास करना, ये मेरे मन में तड़प है। आने वाले समय में भोपाल के विकास का एक रोड मैप बनाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा में एक विकास का रोड मैप बनाकर हम भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। हमने देखा कि महापौर आप थे, भोपाल में जलभराव की स्थिति बन गई, तो आप तो वहीं पर बैठ गए कि जब तक नहीं होगा समाधान आप हिलेंगे नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप तैयार रहें पूरी तरीके से। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैदानी कार्यकर्ता हूं और हमेशा ज़मीन पे भी रहता हूं, मेरी सरकार में भी अगर गलत होता है तो मैं मुखर होता हूं, इसके लिए किसी अधिकारी को नहीं छोड़ता हूं। और अभी तक जो मेरा भोपाल का विकास नहीं हुआ उसके लिए ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, और अगर कोई भी अधिकारी और ब्यूरोक्रेट अगर भोपाल के विकास में अड़ंगे लगाएगा तो अब तो भोपाल का बेटा सांसद होगा, उसको उसी शैली में जवाब दिया जाएगा। ये आलोक शर्मा थे, और सबसे बड़ी बात है कि महापौर रहते हुए उन्होंने काफ़ी बड़े काम किए, और ये कह रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेट कोई विकास के कार्य में अड़ंगा लगाएगा तो वो मुखर होकर अपनी बात कहेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। तो आलोक शर्मा को आप सुन रहे थे, लगातार जीत को लेकर गदगद भी हैं और गदगद हो भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ये जीत नसीब होती है। उधर धार में जीत के बाद बोले बीजेपी प्रत्याशी, ये पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की जीत है। सावित्री ठाकुर ने ये बात कही है, पीएम मोदी के प्रचार करने से फायदा भी मिला। कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं, क्या कुछ दोनों प्रत्याशियों ने कहा है धार के, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ग्राउंड लेवल पे काम करती है और हमारे कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं, उसी का परिणाम है और जनता का आशीर्वाद है। और मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के नेता हैं, उन्होंने यहाँ सभा की, उसका भी मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। तो ऐसा नहीं कह सकते, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत, मैं जब आधी रात को भी फ़ोन करती थी तो कार्यकर्ता बूथ पर मिलते थे, तो कार्यकर्ता और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं दूसरी बार की हूँ और उससे आज मेरे को ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, तो मैं भी उनके अनुसार खड़ी उतरूंगी। जिस हिसाब से लोगों ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी के हिसाब से 25 से 30 हज़ार के होना चाहिए, गंदवानी हमारा लक्ष्य था 20 से 30 हज़ार का। कुक्षी कैसे संभव है, जो 50 अभी कुछ दिन पहले उन 50 से हारे हम, वो अगर आंकड़ा 10 पे आ जाए तो कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही सरदारपुर में जितने भी ट्राइबल के और जो परंपरागत कांग्रेसी वोटर है उन्हें कांग्रेस को दिया, फिर वो वोट गया कहां। उधर छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक जीत के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बात की विस्तार न्यूज संवाददाता खोमन साहू ने। राजनांदगांव लोकसभा का मतगणना पूरे प्रदेश सहित देश में भी हो गया है, जहां पे अधिकांश सीट एनडीए सरकार आ रही है। हमारे साथ आज गृह मंत्री विजय शर्मा जी है, जानते हैं कि किस तरीके से। सर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आ रही है और क्या रणनीति बनी है और किस तरह की। 10 सीटें भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई है, एक कोरबा सीट है जिसमें थोड़ा जद्दोजहद बाकी है। राजनांदगांव में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हारे हैं और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। यहाँ पर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये देश के दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और विशेष रूप से उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्थानों पर, राज्यों में भाजपा की सरकार आई है। हाँ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा थोड़ी पीछे रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये तो थे हमारे साथ विजय शर्मा जी, गृह मंत्री। विस्तार न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल वो नाम है जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। 8 बार लगातार विधायक के चुनाव जीतने के बाद बृजमोहन अग्रवाल अब लोकसभा सांसद भी बन गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल से विस्तार न्यूज ने बातचीत की है, देखिए। बृजमोहन अग्रवाल के सर एक बार फिर से राज तिलक, विजय तिलक लग गया है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया, जो आप लोगों ने सेट किया था मार्जिन, वो मार्जिन को पा लिया आप लोगों ने? निश्चित रूप से
देश की जनता ने फिर से एक बार मैंडेट दिया है मोदी जी को सरकार बनाने का, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उसके लिए हम देश की जनता को और मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को शिखर पर पहुंचाएंगे। 8 बार से विधायक और सबसे बड़ी विक्ट्री का अभी विधानसभा में आपके नाम पर दर्ज था, तो इस बार भी जो सबसे बड़ी लीड पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जनता का जो प्यार है, स्नेह है, लगाव है, आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी का आशीर्वाद है, उसका परिणाम है कि जनता ने इस पर मोहर लगाई है। जहाँ जहाँ आप लोग गए हैं, उड़ीसा में बेहतर परिणाम आए, मध्य प्रदेश में बेहतर परिणाम आए, झारखंड में भी आए, तो क्या लग रहा है कि जो मेहनत है वो रंग ला रही है? उड़ीसा की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ कि नवीन पटनायक जी काटाभांगी सीट से हारे हैं और वहाँ हमने 15 दिन रहकर पूरी कैंपेनिंग की थी और वहाँ पर उड़ीसा में अब बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकसित भारत के साथ में विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प है वो हम अब पूरा करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत जो है वो बृजमोहन अग्रवाल को मिली है। कहना पसंद किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। उधर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद कमलेश जांगड़े ने क्या कुछ कहा है, देखिए। मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और भाजपा प्रत्याशी जो जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कमलेश जांगड़े जी है, उन्हें बड़ी बहुमत के साथ जीत मिली है। उनसे हम बात करेंगे। बड़ी जो पूर्व मंत्री, उनको आपने हरा करके बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, किस तरह से आप में उत्साह है और इसका श्रेय किसे देना चाहिए? मेरे केंद्र के मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णु देसाय जी और मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन की जीत है, सभी मेरे तेतुल्य कार्यकर्ता बंधु की जीत है। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, लगातार डोर टू डोर बहुत मेहनत किए हैं। जनता का बड़ा जन आदेश मिला है, किस तरह से जो जनता के लिए काम किया जाएगा, क्या मुद्दे होंगे? हमारे जो भी जन कल्याण की योजना है उसको लेके जाएंगे, जमीनी स्तर पे लेके जाएंगे, जनता जनार्दन के पक्ष में काम करेंगे। पिछले 5 बार से यहाँ भाजपा से सांसद चुन करके आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लगातार हमारे जांजगीर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और संगठन की जीत है। मैं अपने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चुनाव के पहले भाजपा लगातार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जो है 400 पार नहीं गए, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है, केंद्र में एक तरफा सरकार बन रही है। देखिए, लोकसभा सांसद जो है, नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद है और इनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो है भाजपा सरकार जो है काम करेगी और मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के वे जनता के पास जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर ने 1,45,537 वोटों से जीत दर्ज की है और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया है। नागर तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। रोडमल नागर ने क्या कुछ कहा है जीत के बाद, देखिए। लोकसभा चुनाव की हॉट सीट कहे जाने वाले राजगढ़ में भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। तीसरी बार यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी थे रोडमल नागर, वो यहाँ से जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया है। सर, विस्तार न्यूज़ में स्वागत है आपका, बधाई हो आपको क्योंकि आप जीते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपकी जीत पर? आप देखिए, जीत के लिए सबसे पहले तो मैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएँ हैं उनके ऊपर विश्वास प्रकट करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास प्रकट करते हुए और अपना मतदान किया है, और इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीत का श्रेय कैसे देंगे सर? जीत का श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ययोजनाएँ बनाई, सरकार ने जो नीतियाँ बनाई, उस वो नीति और उस नीति के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता ने उसका क्रियान्वयन करवाया, वो कार्यकर्ता तो हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी कार्ययोजनाएं और हमारा कार्यकर्ता, इनका सामूहिक इसमें योगदान है, नेता, नीति, कार्यकर्ता। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर। मनीष सोनी, विस्तार न्यूज़, राजगढ़। उधर उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। हार के बाद स्मृति ईरानी का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुन लेते हैं। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी की एक पीढ़ी ऐसी है
जिन्होंने अमेठी में संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में। एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। तो आज के जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसके बाद फिर मीडिया के सामने तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। अब सुन लेते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है। मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस आज बेहद खुश है, चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही बेहतर खाया और मैं, मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही बेहतर खाया और मैं, मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा है। हालांकि सीटें अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी ने जीती है, गौरवान्वित प्रियंका गांधी हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच 10 साल बाद कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, ये रुझानों में अब तक सामने आया है। मिलजुल कर सरकार चलेगी लेकिन समीकरण कैसे बदलेंगे, किसके हिस्से में कितनी ताकत होगी, उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। राजनीति के रंगमंच पर जब बड़े बड़े दावों के बाद पर्दा गिरा और हकीकत सबके सामने आई तो पता चला कि दावों के शोर के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब की बार 400 पार के नारों और दावों के पीछे जब गिनती शुरू हुई तो नारा कुछ यूं बज गया कि अब की बार सिर्फ नैया पार और मिलकर बनानी पड़ेगी सरकार। अब जब सत्ता का बंटवारा होना लगभग तय हो गया है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि बंटवारे में किसको क्या मिलेगा।
इस बंटवारे में कौन मालामाल होगा और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक समीकरण किस तरह और कितनी तेजी से बदलेंगे, तो आइए इस पर आपको विस्तार से बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अपने पिटारे में क्या कुछ भर कर लाया है। 2024 के नतीजे एक बात तो स्पष्ट बताते हैं कि एनडीए की सरकार अगर अब बनी तो पहले घटक दलों यानी कि सहयोगी दलों की ताकत में भारी इजाफा होने वाला है। जैसे कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही किंग मेकर के रूप में उभरी है, और ये तो जगजाहिर सत्य है कि राजा से बड़ा राजा राजा को बनाने वाला होता है। नीतीश कुमार जो कि कई बार पाला बदलने के कारण कुछ हद तक रोष का सामना कर रहे थे, अब उनकी अहमियत बढ़ गई है, अब वो किंग मेकर हैं, और ऐसे में भाजपा का जो उनके ऊपर दबाव था अब वो नहीं रह जाएगा। नीतीश पर भाजपा का संदेह और शक बेशक बना रहेगा, लेकिन बीजेपी ने इसका कोई स्थायी इलाज भी अब तक नहीं ढूंढा है। नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू का भी सत्ता में दखल बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश से विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित हो गए हैं और वहां भी टीडीपी को बहुमत मिला है, तो कुल मिलाकर दोनों ही फ्रंट पर तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू मजबूत हैं और उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर अब नीतीश जितना ही पावरफुल समझा जाना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच एक और बात तय है कि बीजेपी के लिए अब चंद्रबाबू नायडू गले की फांस बनकर रहेंगे, जिनको साथ रखना भी कठिन होगा और छोड़ देना तो असंभव। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये मत होता था कि सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में ये संभव होता कहीं से भी नहीं दिख रहा, इसलिए घटक दलों की महत्ता तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है। दूसरा समीकरण जो गौर करने लायक है वो ये है कि बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों के समय से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर देने वाली बीजेपी को निश्चित तौर पर इस बार परिणाम वैसे नहीं मिले जैसी उनको उम्मीद थी। लेकिन एक और ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय साझा सरकार चलाने वाली कांग्रेस अधिकतर राज्यों में कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उसको घटक दलों के राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो दखल अंदाजी को कम करना पड़ा था। यही कारण है कि वहाँ धीरे धीरे घटक दल मजबूत होते गए और कांग्रेस का कैडर कमजोर होता गया। ठीक उसी तरह इस चुनाव परिणाम के बाद ये बात तो तय है कि बीजेपी को भी अब अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। साझा सरकार चलाने के लिए अब भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को न सिर्फ रोज खुश करना होगा बल्कि इन राज्यों में अपने हस्तक्षेप को भी कम करना पड़ेगा। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बीच एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जिस तरीके से पहले सदन में नए नए कानून आसानी से पास कर देती थी, अब उन तमाम कानूनों को पास करने से पहले बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। तो 2024 के चुनाव परिणाम और इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद एक और बात तय हो जाती है कि अब बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय और उनकी मौजूदगी को भी बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर बल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सियासत में हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं होता है, वही कुछ आज दिख रहा है। लेकिन बीजेपी फिर भी खुश इसलिए है क्योंकि तीसरी बार सरकार एनडीए बनाने जा रही है। छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर, लगातार चुनाव और उसके परिणाम से जुड़ी हुई खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़।